सोलन की माल रोड पर सड़क की मरम्मत की जा रही है। जहां सड़क पर गड्ढे पड़े थे उन्हें भरा जा रहा है। जहां से सड़क खराब थी वहां पैच लगाए जा रही है, जिसकी वजह से लोग बेहद खुश थे कि उन्हें गड्ढों से निजात मिलेगी। लेकिन लोगों की यह खुशी कुछ घंटों की ही थी, क्योंकि जैसे ही विभाग द्वारा सड़क पर मरम्मत की गई उसकी कुछ देर बाद ही सड़क उखड़ने लग गई। सड़क पर जो गड्ढे विभाग द्वारा भरे गए थे वे फिर से साफ साफ दिखाई देने लग गए। ऐसे में इस मरम्मत के कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लग गए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विभाग के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और सरकारी धन सड़कों पर बर्बाद हो रहा है, जिस पर विभाग अधिकारियों को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। जब इस बारे में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अरविंद शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले वे दिन में इस कार्य को कर रहे थे, जिसकी वजह से यातायात व्यवस्था ठीक नहीं चल रही थी। मजबूरन उन्हें यह कार्य रात को करना पड़ा। रात को तापमान कम होने की वजह से सड़क उखड़ने लग गई है। जहां यह सड़क उखड़ी है वहां पहले ही पानी की लीकेज है, जिसे दुरुस्त करने के लिए विभाग को कहा गया है। उन्होंने कहा कि जहां इस सड़क की सलाब रहेगी वहां भविष्य में विशेष तरह का खोल डाला जाएगा ताकि सड़क को कोई नुकसान न हो। देखिए, इसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अभी पैचवर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। हम और जगह हमने काफ़ी पैचवर्क कर दिया है। अब लास्ट में हम इधर पहुँचे थे तो बाज़ार बिजी होने की वजह से कल दिन में नहीं लग पाए, और फिर थोड़ा लेट करने को कहा था। थोड़ा कुछ ट्रैफिक व्यवस्था और व्यस्तता कुछ ऐसी थी कि उसकी वजह से दिन में काम कर नहीं पाए। अदरवाइज रूटीन में हम कार्य कर रहे थे। लगभग 1-1.5 बजे भी हमारी गाड़ी आई थी जनरल पैचवर्क करने के लिए सिलेक्टेड पॉइंट्स पे, तो बाद में शाम को उसको जल्दी जल्दी में करना पड़ा। और इसलिए थोड़ा बहुत उसमें होगा तो उसको सफाई कर देंगे, बाकी टिक जाएगा। बाकी जब ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास एक रोड बॉन्ड मटेरियल भी होता है, जहाँ पॉट होल होता है उसको हम रोड बॉन्ड से भर देते हैं। बाकी इसका मैं एक बताना चाहूँगा कि माल रोड पोर्शन में एक हमारा पीरियोडिकल रिन्यूअल का टेंडर रिकॉल हुआ है। इस पोस्ट में तो अवार्डेड है, लेकिन पिछली बार बरसात शुरू होने के कारण फिर आगे कर नहीं पाए, और अभी थोड़ा मशीनरी कॉन्ट्रैक्टर की थोड़ा मतलब आउट ऑफ स्टेशन थी, इस स्टेशन के आसपास नहीं थी, तो अब वो फ्री हो रहा है, आ जाएगी, या जैसे भी होगा तो मौसम जब भी ठीक होगा तो उसमें उसको कर दिया जाएगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।